हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो नंबर पार्ट टू में। और इससे पहले हमने पार्ट वन पढ़ लिया है और उसमें मैंने कॉन्सेप्ट और सूत्र भी बता दिया है। यदि आपने इसका जो संख्या पद्धति और नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति जो है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में या फिर मेरे चैनल पर जा करके आप पार्ट वन देख सकते हो। और उस पार्ट वन में मैंने सूत्र के बारे में और उसके जो कॉन्सेप्ट है उसको मैंने बता दिया है। और यहाँ पर हम पार्ट टू को लेकर चलेंगे और कुछ सवाल जो बचे हैं उसको सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव कह रहा है सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव है, 3100 में से कौन से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 17 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। यानी कि देखिए, जो 3100 है वो 17 से पूरा नहीं कटने वाला है अभी, लेकिन वह कौन सी ऐसी संख्या है जिसे हमको उसमें 3100 में से उसको घटा दें कि 17 से वो पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो आप सोचिए कि अगर 17 से हम उसमें भाग देंगे और जो शेष बचेगा, अगर शेष को ही हम उसमें से घटा दें तो वो संख्या पूरी पूरी नहीं कट जाएगी। तो जो शेष बचेगा और जिसको हम घटाएंगे वही आंसर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। और 31 है ना, 00, इसमें हमें भाग करना है किसका? 17 का। एक बार जाएगा 17, माइनस करेंगे तो ये हासिल देगा तो होगा, हाँ 11, 7 4 11 हो जाएगा, 2 1 14 हो गया, 1 रखेंगे, ठीक है। 17 बटे कितना होगा? 8 बार जाएगा, 17 बटे 136 घटा देंगे इसको, ये हासिल देगा तो ये हो जाएगा 10, घटा देंगे तो 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 0, ठीक है। और 40 हो गया, 17 दूना के 34, 2 बार जाएगा, माइनस कर देंगे तो 6 आ गया, 6 यहाँ पर आपका रिमाइंडर बच गया, ठीक है। तो जब 6 रिमाइंडर बच गया तो अगर 3100 में 6 कम होता, 3100 में अगर ये 6 कम होता तो ये सारा वैल्यू नहीं 17 से कट जाती, तो शेष ही नहीं बचता। यानी कि 3100 में से जब हम 6 घटा देंगे ना तो 17 से पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। अतः वो पूछा है कि क्या घटाया जाए, यहाँ पर वो छोटी से छोटी संख्या में से शेष बची संख्या में से 17 से पूर्णतया विभाजित हो, यानी कि कौन सी संख्या को घटा दें, तो हम 6 को घटा देंगे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6, 478 यानी 475 प्लस 950 का 64% बराबर 900 प्लस ये क्वेश्चन मार्क, इसका मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। 4 है, 7 है, 5 है, इसको लिख देना है। आपको मैं बताया हूं कि पहले भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ करते हैं और फिर घटाना करते हैं, ठीक। पहले भाग किया जाता है, फिर गुणा किया जाता है, फिर जोड़ किया जाता है, फिर घटाना किया जाता है, और ये क्रम से किया जाता है। अगर इसके बीच में कोई ब्रैकेट आता है तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना चाहिए, उसके बाद ये नियम लागू होगा आपका। यहाँ पर कोई ब्रैकेट वगैरह नहीं है, लेकिन का मतलब होता है गुणा, इसलिए हमें सबसे पहले का वाले को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम प्लस कर लेंगे और ये हो जाएगा 950 गुणे ये 64 है ना, 64%। प्रतिशत का मतलब समझ लो का होता है, 64% दिया है तो प्रतिशत मतलब भाई डंडिया नीचवा, यानी कि 64 और ये डंडी 1 हो जाती है और ये दोनों 0 सुनना, यानी कि बटे में आ जाता है 100। ये दिया अगर 64% 10% दिया हो चाहे 12% दिया हो तो आपको ऐसे ही लिखना है। तो ये हो जाएगा हमारा 950 का 64%, तो 64 बटे में हो जाएगा 100 बराबर 900 प्लस क्वेश्चन मार्क, इस क्वेश्चन मार्क का मान हमें ज्ञात करना है। तो 475 हो जाएगा और प्लस इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 खत्म, 5 से कटाते हैं, 5 दूना के 10 होगा और 5 एकम 1 और 5 नवा 45, 19 आ गया। 2 से इसको कटा लेते हैं, ये आ जाएगा आपका 32, बचा कितना भाई आपका 19 मल्टीप्लाई 32 बराबर 900 प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इसका इसमें गुणा कर लेना है, इसको जोड़ लेना है और इसको लाकर इधर से घटा लेना है, क्वेश्चन मार्क का मान आ जाएगा। तो चलिए इसका गुणा इसमें कर लेते हैं, तो 475 हो जाएगा और प्लस 19 दुना के 38 को 8, ठीक है, बचा 3, 19 दुना के 38 हुआ, ठीक है, 19 दुना के 38 तो ठीक है, ये तो सही है, 8 हो गया, इन हैंड आया 3, फिर 19 का टेबल 3 में पड़ेंगे तो
तो 19 के 19, 19 दुनिया 38, 19 तिया 57, 57, 58, 59, 60 ठीक बराबर ये हो जाएगा 900 और प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है अब देखिए इन दोनों को आपस में ऐड कर दो, 8, 5, 13 को 3 हुआ, 7 और 1 8 हुआ, एक जो कैरी बचा है और 6, 4, 10 हुआ, बराबर आ गया 900 प्लस क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क बराबर क्या हो जाएगा भाई, 900 इधर आएगा, तो इधर जब कोई डिजिट कोई भी साइन आगे नहीं होता है तो ये होता है जो भी प्लस में माना जाता है, और ये जब प्लस इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 1083 - 900। अब इसको इसमें से घटा देंगे तो 3 आ जाएगा, ए हो जाएगा 8 और ए हो जाएगा 1, यानी कि आंसर आपका क्वेश्चन मार्क आ क्या आ गया 183 आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन है 7, क्वेश्चन है आपका अंडर रूट क्वेश्चन मार्क -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 - √28। ठीक है इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या होगा कि देखिए इधर वर्ग है तो हमें कुछ ऐसा करें कि इधर भी वर्ग बन जाए, क्योंकि अगर आप इसको इधर भेजेंगे तो अंडर रूट फिर हो जाएगा, तो फिर इसको सॉल्व करने में समस्या आने लगेगी। अब हमें देखिए इस जो बराबर है, बराबर से पहले ये होल वर्ग में है, तो कुछ ऐसा करें हम कि ये भी होल वर्ग में हो जाए। तो होल वर्ग में होने के लिए आपको करना क्या होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में इसे तोड़ना होगा। ठीक है तो इसके रूप में हमें तोड़ने के लिए क्या करना होगा, देखिए अंडर रूट बराबर, अब हम कुछ ऐसा करें कि इस तरह से हो जाए, तो इस तरह से करने के लिए हमें करना क्या होगा कि 8 है यहां पर और यहां पर, इसका खंड करिए सबसे पहले, तो कणी में 28 है, तो कणी में 28 को हम लिख सकते हैं 7 चौक 28, यानी कि 2 बाहर आएगा, कणी में 7 होगा, और देखिए यहां पर भी 2 है तो 2 तो 2 मिल गया, 7 चौक 28 ऐसे होगा ना, कणी में 4 × 7 तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, और कणी में फिर 7 एक ही बचेगा तो कणी में 7 हो जाएगा यहां पर। अब देखिए यहां पर 2 है तो हमारे फार्मूले में भी 2 है, यहां पर a है तो हमारे यहां पर कर्णी में 7 है, अब b का वैल्यू कोई नहीं है तो इसमें कोई ऐसी संख्या से गुणा करिए कि इसका मान चेंज ना हो, तब हम क्या करेंगे गुणते 1 से कर लेंगे गुणा इसमें, तो जब 1 से इसमें हम गुणा करेंगे तो मान कोई चेंज नहीं होगा, तो b का मान क्या हो जाएगा, यहाँ b का मान हो जाएगा 1। ठीक है जब b का मान यहां पर हो जाएगा 1 तब हम इसको कैसे तोड़ लेंगे, देखिए a का मान यहाँ पर कणी में 7 होना चाहिए, तो कणी में 7 लिख दो इसका होल वर्ग, क्योंकि a का वर्ग है, तो जब a का वर्ग करेंगे तो कणी से 2 घात कट जाएगा तो सिर्फ 7 बचेगा, और 1 भी चाहिए ना, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस के, ये 2ab है, यहाँ पर माइनस दिया है ना, तो हमें माइनस वाला फार्मूला यूज करना है, तो यहाँ पर 2ab है, तो जब 2ab हो जाएगा तो देखिए पहले यहाँ पर 2 है, इस 28 को कणी में 28 को हम लोग कर रहे हैं 2 है, फिर कणी में हो जाएगा 7 और फिर गुणते हो जाएगा 1, और प्लस के 1 का हम लोग कर देंगे वर्ग, क्योंकि देखिए a का वर्ग होता है ऐसे फार्मूला, a का वर्ग माइनस 2ab और प्लस b का वर्ग, तो यहाँ पर देखिए 2ab तो 2ab और a का मान कणी में 7 का वर्ग हो गया, 1 का यहाँ पर वर्ग दे, एक ये बचा और कर्णी से 2 घात कट गया, तो 7a और 1a 8 हो जाएगा, और ये कर्णी में इतना यहाँ पर है ही, तो मान में कोई चेंज अप नहीं हुआ, लेकिन ये बन गया आपका क्या फार्मूला, कर्णी में -1 का होल वर्ग हो जाएगा और बराबर ये हो जाएगा फार्मूला आपका, कर्णी में 7 और माइनस यहाँ पर लगा तो -1 का हो जाएगा होल वर्ग। ठीक है होल वर्ग से होल वर्ग हो गया कैंसल, तो बचा क्या आपका अंडर रूट माइनस के 1 बराबर कर्णी में 7 यहां पर हो गया -1। ठीक 1 से 1 भी ऑलरेडी खत्म, दोनों ओर बराबर बराबर है, तो कर्णी में क्या हो गया क्वेश्चन मार्क बराबर हो गया कर्णी में 7, तो यहां से कर्णी कर्णी खत्म हो गया तो क्वेश्चन मार्क बराबर आ गया 7, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है इस तरह से आपको लगाना है। आते हैं अगला क्वेश्चन पर, देखिए अगला क्वेश्चन है यदि ए तथा बी ऐसे धन पूर्णांक हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19 दिया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19। ठीक है अब देखो तो ए का मान ज्ञात कीजिए,
वैल्यू दे दिया हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19। ए का मान पूछ लिया है, बी का मान हमसे नहीं पूछा है, कोई बात नहीं है। चलिए सॉल्व करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ऑलरेडी हम लोग पार्ट वन वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी एक कोष्ट में हो जाएगा और दूसरे में हो जाएगा ए प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखिए ऐसे हो गया, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये जो वैल्यू दिया है यहाँ पर इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। लिख सकते हैं भाई, देखो ए माइनस बी हो जाएगा एक कोष्ट में और दूसरे में हो जाएगा ए प्लस के बी। ठीक है, आ रहा है समझ में ना? हाँ, चलो बराबर क्या हो जाएगा 19 है, तो 19 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 19 गुणते 1, क्या दिक्कत है इसमें, 19 में 1 से गुणा करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम कह सकते हैं कि a माइनस के b बराबर हो गया 19 और a प्लस के b बराबर हो गया 1। ठीक है, लिख लो a माइनस के b बराबर 19 हो गया और a प्लस b बराबर हो गया 1। दोनों के क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ते हैं, जब एक वैल्यू माइनस में होती है एक वैल्यू प्लस में होती है और दोनों सेम सेम होते हैं, यानी ए ए यहाँ भी है बी बी यहाँ है, जोड़ देते हैं। जोड़ने पर ये प्लस है और ये माइनस, ये प्लस, ये दोनों कट गया, ये आ गया 2a आपका बराबर, ये हो जाएगा 19 और 1 क्या हो गया 20, तो ए बराबर क्या आ जाएगा 20/2, कटा देंगे तो ए बराबर आ जाएगा 10। यही होगा आपका ए का आंसर। अगर आपसे बी भी पूछ लिया तो क्या करोगे, इस ए का मान 10 इसमें आप रख लोगे, इन दोनों समीकरण में किसी में भी रख लीजिए। फिलहाल मैं बी का भी मान आपको सॉल्व करके बता देता हूं, ए माइनस के बी बराबर क्या है 19 दिया है ना, एक मान 10 आया है, 10 यहां पर पुट कर दो, माइनस बी बराबर 19 हो गया। अब बी को उधर ले जाओ, 19 को इधर ला लो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ए माइनस बी बराबर 19 है ना, इसको भेजते हैं तो b उधर आ जाएगा 19 इधर, तो 10 माइनस के हो जाएगा 19 बराबर आ जाएगा b, तो b इक्वल टू क्या आ गया, इसको में 10 में से 19 घटाएंगे। अब कम में से जब ज्यादा घटाना है तो उत्तर माइनस आएगा और 19 में से 10 घट जाएगा तो 9 आ जाएगा, यानी कि b का मान कितना आ गया माइनस की 9 और a का मान कितना आ गया 10। इस दोनों में रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए अगर आपको चेक करना है कि हमने a और b का जो मान लाया है सही है या गलत है, तब इन a और b दोनों का मान आप चाहो तो इन दोनों समीकरण में रखोगे और उसके बाद बराबर वाला वैल्यू आ जाता है, तो आपका जो सवाल है वो सही है। तो ऐसे भी आप रख लो ना, a का मान 10 है 10 रख दिया, b का मान माइनस 9 है रख दिया, 10 में से 9 घटेगा 1 नहीं आ गया, आंसर सही है। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 463 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब देखिए 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो सबसे पहले 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती क्या है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो हम जानते हैं कि भाई 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 9, 9, 9, 9 और 9, लेकिन 463 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, लेकिन 463 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे भाई तो ये कोई जरूरी नहीं ना कि ये विभक्त हो जाएगी, तो ये तो आंसर नहीं होगा। अब हमें करना क्या होता है कि जब देखिए ऐसे सवाल आपसे पूछे तो सबसे पहले अगर छोटी छोटी संख्या पूछेगा तो आपको 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लेना है, और बड़ी संख्या पूछेगा तो आपको 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेना है। जब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आप लिख ली है, उसके बाद किससे आपको पूर्णतः विभाजित करना है उसी से इसमें डिवाइड किया जाता है, और डिवाइड करने के बाद जो शेष बचता है अगर उस शेष को इसमें से घटा देंगे तो वह 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या आएगी जो दिया हुआ वैल्यू से कट जाएगी। देखिए कैसे, अगर हम लोग इसमें यहां लिख लेते हैं 9, 9, 9, 9, 9, हमें 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो 463 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब करना क्या है कि 463 से इसमें डिवाइड कर देना है, इसमें 3 डिजिट है, इसमें भी 3 डिजिट लेंगे हम लोग, तो 4 × 2 = 8, 2 बार जाएगी भाग, जिसे 2 अंक इसमें ढक लेना है आपको, 2 अंक इसमें ढक लेना है, तो 4 और 9 बचा, तो 4 × 2 = 8, लगभग 2 बार भाग जाएगी। अब 2 का टेबल इसमें पढ़ना है और यहाँ पर इसके नीचे लिखना है, 2 × 3 हो जाएगा 6, 2 × 6 = 12 को 2 और 4 × 8 = 1, 9। ठीक, माइनस घटा लेते हैं, 9 में से 6 जाएगा 3 आ जाएगा, 9 में से 2 जाएगा आ जाएगा 7, यहाँ पर हो जाएगा आपका 9। अब कितने बार भाग जाएगी, 1 बार जाएगी, एक बार हम डिवाइड लेकर जाते हैं तो यहाँ पर 463 आ जाएगा, माइनस करेंगे 9 में से 3 जाएगा आ जाएगा 6,
ये कैरी देगा तो होगा 13, 13 में से 6 जाएगा तो 7 आ जाएगा, और यहां बचा 6, यहां बचेगा 2, फिर हम लोग 9 ले लेंगे, ठीक है। अब हम लोग 3 डिजिट को यहां पर, 2 डिजिट को यहां पर ढक लेना है, 2 डिजिट को यहां पर ढक लेना है, 4 का टेबल पढ़ो, 4 7 28 हो रहा है, 4 6 24, 6 बार जाएगी भाग, तो 6 बार लेकर जाते हैं, 6 का टेबल 3 में करेंगे, 6 3 18 को 8, 8 लगा 1, 36, 1 37 को 7, 8 लगा 3, 6 चौका 24, 25 26 27, 27 कर दिए भाई, ये तो ज्यादा हो गया ना, 5 टाइम ले जाना होगा हमें, ये तो 1 तो पहले ही था, 5 टाइम ले जाएंगे, 5 तय हो गया, 15 को 5 इन हैंड 1, 5 6 का 30, 1 31 को 1, और 5 चौका 20, 3 23, घटा देते हैं, 9 में से 5 जाएगा आ जाएगा 4, यहां बचेगा 6, 6 में से 1 जाएगा बचेगा 5, और 7 में से 3 जाएगा तो आ जाएगा 4, यानी कि शेष बच गया हमारा 454। अगर 454 इस संख्या में से, यानी कि जो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है उसमें से अगर 454 कम होता तो ये संख्या पूरी विभाजित नहीं होती, तो अतः आपका आंसर कैसे होगा। अब देखिए जो 9999 है ना, इसमें से आपको 454 घटा देना है, 9 में से 4 जाएगा आ जाएगा 5, 9 में से 5 जाएगा आ जाएगा 4, 9 में से 4 जाएगा आ जाएगा 5, यहां बचेगा आपका 9, यहां पर बचेगा 9, यानी कि आपका यही आंसर हो गया 99545, यानी कि ये जो वैल्यू है सब 5 अंकों की सबसे बड़ी डिजिट है जो 463 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, यानी कि पूरा पूरा कट जाएगी, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर, अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 5 टाइम 1 बाई 1/2 और प्लस के यहाँ पर 6 टाइम 1 है बाई 1/2। जब भी जब आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाए या ऐसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ जाए तब आपको क्या करना है, आप चाहेंगे तो जो मिक्स्ड फ्रैक्शन का जो होल वैल्यू है उसको आप अलग लिख सकते हो और जो बटा वाला वैल्यू है उसको आप अलग लिख सकते हो। देखो कैसे, जैसे आप लिख सकते हो इसको ऐसे 1 प्लस इसका 11 प्लस इसका 111 इसका 4th 1 इसका 5th 1 और उसका 6th 1, ठीक है, इसको एक साथ आप लिख सकते हो, और प्लस जो बचा 1/2 यहां पर आप लिख सकते हो, ठीक है। अब देख लो 1/2 आधा और 1/2 आधा कितना हुआ, 1 हुआ, 1/2 आधा और 1/2 आधा, ये हो गया 1, 1/2 आधा और 1/2 आधा, आधा मिलकर क्या हो गया 1 हो गया, ये हो गया आपका पूरे 3। देखो इनको जब ऐड करना हो तो जहां 1 होता है तो ये हो जाता है 1, 2, अगर देखो इतना डिजिट आपको जोड़ना है तो हो जाएगा 12, इतना डिजिट जोड़ना हो तो हो जाएगा 13, इतना जोड़ना हो 4 टाइम, अगर 4 बार एक एक लिखा, जैसे 1 लिखा है फिर 11 लिखा है 111 फिर 11 लिखा है इतना, तो इसको जोड़ेंगे यहां से यहां तक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, इसको भी अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 यहाँ, और इसको भी जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, ऐसे इसको जोड़ना होता है। जब भी ऐसे आ जाए 11 111 वाली वैल्यू तो आपको ऐसे जोड़ना है, जिससे 1 अगर इतना रहेगा तो 1 रहेगा तो सिर्फ 1 तक रहेगा, अब 2 जोड़ेंगे मतलब 1 प्लस 11 तो हो जाएगा 12, 1 प्लस 11 प्लस के 111 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 123 यानी 123, तो इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में जितना रहेगा जितना आप उसको क्रम से गिनती इसी तरह से लिखते जाओ, फिर प्लस इसको क्या 111 ये हो जाएगा आपका 3, 6 3 हो जाएगा 9, ठीक है 6 3 हो गया 9 और बाकी सब उतार दो 1 2 3 4 एंड 5, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक संख्या का 4/5 उस संख्या के 2/3 से 10 अधिक है, एक संख्या है उस संख्या का 4/5 उसी संख्या के 2/3, 2/3 का मतलब 2/3 से 10 अधिक है। देखिए सॉल्यूशन करते हैं भाई, चलो मान लेते हैं, माना वह संख्या क्या है, x है, मान लेते हैं वह संख्या भाई जो हमें ज्ञात करनी है वो x है, ठीक। अब कह रहा है ना कि एक संख्या, संख्या लिख लो
का मतलब होता है गुड़ा, गुड़ा लिख लो। चार बटे पांच, चार बटे पांच लिख लो। उस संख्या के, वही संख्या एक बार फिर यहां लिख लो कि मतलब गुड़ा, दो तिहाई, दो तिहाई मतलब होता है दो ऊपर होगा और तीन नीचे, तो हो जाएगा दो बटा तीन। दो तिहाई से दस अधिक है भाई, देख लो दस अधिक होगा, कब होगा, कैसे पता चलेगा कि कौन वस्तु कितना अधिक है भाई, पहले वाले में से दूसरे को घटाएंगे तब ना पता चलेगा कि दस अधिक है कि बीस अधिक है, कितना अधिक है। तो सवाल में कहा है कि दस अधिक है, तो बराबर भाई दस अधिक हो जाएगा जब हम इसमें से घटा लेंगे। अब कर लेना है इसको सॉल्व, इसका गुणा इसमें कर लेंगे तो हो जाएगा चार एक्स बटे में पांच और माइनस टू एक्स बटे में तीन बराबर दस। एलसीएम ले लेते हैं इसका, पांच पंद्रह एलसीएम हो जाएगा, तीन का गुणा इसमें होगा चार तीन बारह एक्स माइनस पांच गुणा इसमें होगा दस एक्स बराबर आ जाएगा दस। बारह एक्स में से दस एक्स जाएगा आ जाएगा टू एक्स बराबर पंद्रह का गुणा तिरिया करेंगे इधर तिरछा ऐसे, ठीक है, जब इधर भाग में होता है तो बराबर से उधर जाता है तो गुणा में हो जाता है, ठीक है, इधर गुणा में इधर कर लेंगे तो हो जाएगा 150। जब इधर गुणे में होता है इधर भाग में हो जाता है तो x बराबर आ जाएगा 150 बटे में दो कटा देंगे तो x बराबर आ जाएगा 75, यानी कि हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। चलिए अगर आपको डायरेक्ट लगाना है कोई वैल्यू, अगर आप इतना नहीं x नहीं मानना चाहते हैं तो आप ऐसे करोगे कि एक संख्या का चार बटे पांच यानी सीधे उसका चार बटे के पांच माइनस दो तिहाई से दस अधिक है तो दो बटा के तीन बराबर दस। अब इसको करना है सॉल्व, पांच तीन पंद्रह होगा माइनस के पांच दूनी दस होगा बटे में पंद्रह बराबर आ जाएगा दस, पंद्रह में से दस घटाएंगे, सॉरी ये बारह होगा, ठीक है, चार तीन बारह होगा, बारह में से दस घटाएंगे दो आ गया, दो बटे हो जाएगा पंद्रह बराबर हो जाएगा दस। इस वैल्यू को उधर भेज देते हैं तो हो जाएगा आपका कितना, पंद्रह ये ऊपर जाएगा तो दस गुणते हो जाएगा पंद्रह और बटे में आ जाएगा दो, दो पांच हो जाएगा दस, पंद्रह का गुणा पांच में करें पंद्रह पांच पचहत्तर, ये हो जाएगा आपका आंसर। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या के 60% का तीन बटा पांच यदि 36 हो, भाई लेट कर लो, लेट माना संख्या क्या है, माना संख्या बराबर x है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलिए माना संख्या बराबर क्या है, x है। अब कह रहा कि उस संख्या के 60% का, इसी संख्या का 60% यानी x का मतलब गुणा और 60%, प्रतिशत मतलब होता है 60 बटे में 100, संख्या का 60% का, फिर कहा है का भाई, तो का मतलब क्या बताए हैं, गुणा और फिर 3 बटा 5 यदि 36 हो बराबर कितना होना चाहिए, 36 है। एक बार फिर से समझ लो, किसी संख्या के, वो संख्या मैंने x ले लिया 60%, उसका 60% मैंने निकाल दिया, प्रतिशत मतलब होता है बटा में 100, का फिर बोला है तो का मतलब फिर गुणा और 3 बटा 5, फिर वही 3 बटा 5 हम लिख लिया। यदि 36 हो बराबर 36 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, एक्स का मान फाइंड आउट कर लेना है, जीरो से जीरो खत्म, ठीक है। 6 का टेबल 3 में करेंगे और 10 का टेबल 5 में, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, x बराबर जितना नीचे वैल्यू है उधर ऊपर चली जाएगी, 36 गुणते 10 गुणे 5 और बटे में जितना ऊपर वैल्यू है वो नीचे आ जाएगी, क्योंकि जब इधर भाग में होता है तो बराबर से उधर जाएगा तो गुणा में होगा और जो गुणा में होगा बराबर से उधर जाएगा तो भाग में होगा। इसको हम जो 6 और 3 आ जाएगा नीचे, अब हम कटा लेते हैं इसको, 36 18 होगा और 18 दूना 36, ये पूरा कट जाएगा, दो बचेगा, 10 का टेबल 5 में करेंगे 50 और 50 दूना के 100, x बराबर आ गया 100, यानी कि वो संख्या कितनी होगी, 100 होगी, आ गया आपका। ये अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं में 3 संबंधी 5 का अनुपात है तथा उनका लघुत्तम समापवर्त 300 है, उनमें से छोटी संख्या कौन सी होगी। देखिए दो संख्याओं का अनुपात दिया है 3 संबंधी 5 अनुपात में है, अब क्या करना है, तथा उनका लघुत्तम समापवर्त दिया है 300। देखिए ये 3 संबंधी 5 के अनुपात में, तो ये संख्या हम कह सकते हैं भैया ऐसे, ये 3x होगी और 5x होगी,
ऐसे कर सकते ना ये भाई, दो अनुपात में तो 3x रख दिया, 5x रख दिया हमने। अब क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का ना यहाँ पर पूछा ना कि लघुत्तम समापवर्त, इनका हम लसन निकाल लेते हैं। और लसन निकालने के लिए आप जानते ही हो कैसे करना होता है, दोनों जो संख्या है वो सेम सेम है, यानी कि यहाँ पर 3 से इसको कटाएंगे, 3x से तो हो जाएगा कितना, 3 से कटाएंगे तो हो जाएगा x, और ये हो जाएगा 5x। यहाँ पर 5 से कटाएंगे तो हो जाएगा ये x, कमा ये हो जाएगा आपका x, फिर x से कटा देंगे तो हो जाएगा 1, 1। यानी सीधी सीधी बात है कि ये दोनों जो वैल्यू है डिफरेंट है, तो आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, वही एलसीएम हो जाएगा। तो ये संख्या का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3, 5, 15 और x, यानी कि एलसीएम क्या आ गया भाई इसका, 15x आ गया। लेकिन रियल में एलसीएम क्या दिया है, रियल में एलसीएम दिया है 300, तो 15x बराबर कितना हो जाएगा 300, तो x बराबर क्या हो जाएगा 300 बटे के 15, 15 दूना के 30, x बराबर आ गया 20। आपका मान आ गया x बराबर 20। अब इसमें छोटी संख्या कौन है भाई, देखो ये 5x से 300, तो यही छोटी संख्या है आपकी, तो इसमें आप x का वैल्यू 20 आ गया, 20 इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 20 बराबर आ जाएगा 60। यही छोटी संख्या का आपका आंसर है। x का फैक्टर आप नहीं लगाना चाहते हैं, कोई बात नहीं, संख्या दिया है 3 × 5 और लघुत्तम समापवर्त पूछा है, तो 3 × 5 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, गुणा कर दीजिए, क्योंकि अलग अलग है वैल्यू। अगर यहाँ पर वैल्यू 6 और 12 होती, या फिर 12 और 18 होती, तब उसका आपको लघुत्तम निकालना पड़ता, एलसीएम लेना पड़ता आपको। लेकिन यहाँ पर दोनों प्राइम फैक्टर हैं, अब हम क्या करेंगे, 3 × 5 में कर देंगे, 15 हो जाएगा बराबर आ जाएगा वैल्यू 300, 15 से इसमें डिवाइड कर दीजिए कितना हो जाएगा, 15 × 30 20 आ गया। 20 जब आ गया तो इसमें छोटी वैल्यू कौन है, 3 है, ये बड़ी वैल्यू 5 है, छोटी पूछेगा तो 20 का गुणा 3 में करेंगे 60 आएगा, और बड़ी पूछेगा तो 5 में 20 का गुणा कर देगा, 5 × 10, 5 × 20 में करें 5 × 10 यानी कि 100 आएगा, यही होगा आपका आंसर। फिलहाल में आपसे छोटी पूछा है, तो इसे छोटी के लिए आपका ये वाला आंसर होगा। चलिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 तथा 18 हैं। दो संख्याएं हैं, उनका योगफल दिया है 11 और गुणनफल दिया है 18। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का गुणनफल क्या होगा, सॉरी योगफल क्या होगा, यानी इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा, ये पूछ रहा है। सीधी सीधी बात है भाई, देख लो, दो संख्याओं के योगफल, यहां पर देखिए योगफल दिया है कितना, 11 है, गुणनफल दिया है 18 दिया है, ठीक। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा, व्युत्क्रमों का योगफल पूछ रहा है क्या होगा, यानी व्युत्क्रम मतलब होता है एक बटा कर देना है। तो मान लेते हैं वो संख्या क्या है भाई, माना वह संख्या x तथा y है, दो संख्या हो गई। अब कहा है कि इनका योगफल, तो x प्लस के y बराबर 11 हो गया, और गुणनफल तो x और गुणे y बराबर हो गया 18। अब कह रहा है कि इनके, ये तो योगफल हो गया सीधा सीधा, अब कह रहा है कि व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा, तो व्युत्क्रम का योगफल निकालने के लिए क्या करना होगा, 1/x + 1/y, इसको सॉल्व कर देना है। एलसीएम ले लेंगे, इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें, तो एक्स प्लस के वाई हो जाएगा और नीचे आ जाएगा एक्स वाई। तो पूछा है कि व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा, तो व्युत्क्रम हो गया, इसको हम जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का मान दिया है 11 और एक्स वाई का मान दिया है 18, ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर आप ऐसे नहीं लगाना चाहते हैं तो सीधा सीधा सिंपल है, कहा है कि योगफल क्या है 11 है, गुणनफल क्या है 18 है, तो हमेशा जब भी किसी संख्या का जब एलसीएम लेते हैं तो उसका योगफल ऊपर आता है अंश में, और जो गुणनफल आता है वो हर में आता है, क्योंकि जो नीचे गुणनफल होता है उसी का गुणन किया जाता है। जैसे मान लो अगर 1/2 है प्लस 1/3 है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका इसका गुणा इसमें करेंगे 3 है, प्लस इसका गुणा इसमें करते हैं 2, तो ऊपर तो योगफल हो गया, और नीचे इसका एलसीएम लेते हैं तो यानी गुणनफल, तो 3 × 2 में तो 6, तो हम गुणा करते हैं, तो यहाँ पर गुणनफल दिया, आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि योगफल ऊपर हो जाएगा 11 और गुणनफल नीचे हो जाएगा 18, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये रहा आपका कॉन्सेप्ट से, बेसिक से सवाल सॉल्व करना, और ये हो गया आपका ट्रिकी से, ठीक है।
तो आज का वीडियो बस हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसा लगा आपको ये सेशन? अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं आप कि अच्छा लगा कि नहीं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।